हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडो 11 इंस्टॉलेशन के लिए मिनिमम सिस्टम की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर आपका 1 GB से जो है आपका फास्टर होना चाहिए और जो रैम है आपकी वो मिनिमम जो है 4 GB यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो स्टोरेज है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि 64 या उससे ज़्यादा जो है आपका डिस्क स्पेस होना चाहिए। साथ ही आपके बायोस में UEFI और सिक्योर बूट जो है आपका इनेबल होना चाहिए। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 2.0 यानी कि TMP कंपेटिबल आपका बायोस होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों किस तरह से आपको विंडोज यहाँ पे इंस्टॉल करनी है या किस तरह से अपग्रेड करनी है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि विंडोज 11 की जो है बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। किस तरह बनाना है उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है उसका भी URL मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप बूटेबल पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे और बूट फ्रॉम पेन ड्राइव करेंगे और जैसे आपका बूट होगा प्रेस एनी की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो आप प्रेस एनी की करेंगे और पेन ड्राइव से यहाँ पे बूट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा, तो यहाँ पे आप जो है अपना लैंग्वेज टाइम फॉर्मेट और कीबोर्ड इनपुट आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे की डालनी है, यदि आपके पास की नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे आप क्लिक करेंगे और जो है ये नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कौन सी विंडो डालनी है, विंडो 11 होम डालनी है या सिंगल लैंग्वेज डालनी है, एजुकेशन वर्जन डालना है, प्रो डालना है, बहुत तरह के जो है यहाँ पे विंडोज 10 के वर्जन आपको मिलते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है जो आपको इंस्टॉल करना है, होम डालना है या सिंगल लैंग्वेज डालना है या प्रो डालना है। तो मैं यहाँ पे विंडोज 10 प्रो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, आई एक्सेप्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। दूसरा दोस्तों आपको यहाँ पे अपग्रेड करना है, यानी कि विंडोज 10 है तो आप उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं विंडो 11 में, या विंडो 11 का अर्लियर वर्जन है तो उसको लेटेस्ट में भी यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। और यदि आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है तो आप यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, इंस्टॉल विंडोज ओनली, तो यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे तो आपको एडवांस जो है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे। तो आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है तो आपको कस्टम पे जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको हार्ड डिस्क में जो है अपने पार्टीशन करने हैं। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 64 GB की यहाँ पे SSD है, तो मैं क्या करूँगा उसी को सिलेक्ट करके उसी के ऊपर जो है विंडोज इंस्टॉल कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आपका विंडो इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, पहले कॉपिंग विंडो फाइल होता है, फिर गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन होगा, यहाँ पे आपकी जो है काउंटडाउन चलते रहेंगे, उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट और उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग अप होने के बाद जो है आपका PC इसके बाद रिस्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद दोस्तों आपका जो है विंडो 11, पहले दोस्तों ये विंडोज 10 के सिमिलर है आपका इंस्टॉलेशन, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फाइनलाइज होता है वहाँ पे जो है थोड़ा व्यू थोड़ा यहाँ पे अलग आता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट यहाँ पे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेटअप करना है तो आप यहाँ पे पर्सनल करेंगे, पर्सनल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, यदि आपके पास
माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उससे साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे साइन इन ऑप्शन में आप जाएंगे, आप यहाँ पे ऑफलाइन अकाउंट भी बना सकते हैं, जैसे एडमिन HP डेल इस नाम से जो हमारे सिस्टम में बना रहता है, या अपने नाम से जो ऑफलाइन अकाउंट है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जो है ऑफलाइन अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर आता है कि आप के पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप उसको नेक्स्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे स्किप फॉर नाउ करेंगे। स्किप फॉर नाउ करने के बाद जो है आपका ऑफलाइन अकाउंट क्रिएशन का जो विंडो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपना जो ऑफलाइन अकाउंट बनाना चाहते हैं डेल या अपने नाम से, तो मैं यहाँ पे अपने चैनल के नाम से इसमें जो है एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा कि आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसका पासवर्ड डालना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। जनरली क्या होता है कि आप पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं, मैं एक्चुअली ये डेमो के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको प्राइवेसी सेटिंग यहाँ पे ऑन या ऑफ करनी है, जैसे आपका लोकेशन हो गया, आपका डायग्नोस्टिक डेटा हो गया, बहुत तरह के ऑप्शन है, आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे इनको येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट इसे कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना सिस्टम ऑफ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कैसा हार्डवेयर है, उस पे जो है यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो है डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का लॉगिन स्क्रीन आता है, विंडोज 10 से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम की और ये सब यहाँ पे सेंटर में दिया हुआ, मतलब एक तरह से इसमें एंड्रॉइड का लुक जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जैसे आप विंडो के बटन पे क्लिक करेंगे या अपने लैपटॉप में आप विंडोज का जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे सामने ऐप्स दिखेंगे। तो वहाँ पर आपको फोटो सेटिंग्स और ये देखेंगे, सेटिंग्स आप क्लिक करेंगे तो जो है जैसे आप विंडोज 10 में अपना सिस्टम की सेटिंग्स में जाते थे उसी तरह का यहाँ पे व्यू है। अब किस तरह से आपको शट डाउन करना है, तो विंडोज के बटन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आते हैं, लेफ्ट साइड में आपको अपना यूजर दिखेगा और राइट साइड में आपको पावर का बटन दिखेगा। यूजर के ऊपर चेंज अकाउंट सेटिंग आप कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और पावर के ऊपर आप क्लिक करके इसको शट डाउन या रीस्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दो बटन आपको लेफ्ट और राइट में यहाँ पे मिलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप अपने जो अकाउंट है अकाउंट के ऊपर क्लिक करके चेंज अकाउंट सेटिंग में जा सकते हैं, वहाँ से आप जो है अपने प्रोफाइल पिक्चर या जो लॉगिन वॉलपेपर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यही तो दोस्तों आप यदि इसका वर्जन चेक करेंगे तो मैं विंडो R यहाँ पे प्रेस करके रन में जाके यहाँ पे विनवर आपको टाइप करना है और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे विंडो 11 और उसका यहाँ पे वर्जन यहाँ पे दिखाएगा। तो दोस्तों आप भी जो है अपने सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जैसे मैंने दिखाया गया इस तरह से आप जो है अपने सिस्टम लैपटॉप डेस्कटॉप में जो है विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते जो है आपका जो सिस्टम है वो कंपेटिबल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था सिस्टम रिक्वायरमेंट वो सब आपके इसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।